हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं सुबह का 7 बज रहा है और मैं भोपाल से निकल रहा हूँ घर के लिए। आज हमारी ट्रेन है, आज तारीख 3 नवंबर है, तो अभी 8 बजे से भोपाल जंक्शन से आज हमारी ट्रेन है। घर के लिए निकल रहा हूँ, छठ पूजा आ रहा है तो पूजा में जाना है घर। तो इस ब्लॉग में आपको पूरी जर्नी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस ब्लॉग पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको आए का व्यू मैं दिखाता हूँ। अभी मैं ओला बुक किया हूँ तो उसका वेट कर रहा हूँ। ओला से जाएंगे स्टेशन पे, स्टेशन से फिर 8 बजे अपनी ट्रेन है तो उससे आगे चलेंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी अपने कोच के पास आ गया हूँ। हमारा कोच A1 है तो सबसे पीछे आज लगा है, पता नहीं क्यों। तो सब सामान वामान रख दिया है, बाहर आया हूँ, थोड़ा देखता हूँ कुछ खाने के लिए खरीद लेता हूँ, क्योंकि सबसे लास्ट में है तो हर स्टेशन पर ही दिक्कत होगा खाने पीने में। सबसे लास्ट में रहता नहीं है स्टॉल किसी भी स्टेशन पर। तो अभी चलते हैं, ले लेता हूँ कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद फिर आपको कैबिन दिखाता हूँ। ये चिप्स का पैकेट कैसे है? 20 रुपये। खाने में पुआ लिया है और ये चिप्स बिस्किट यही लिया है अभी। ये हमारा केबिन जो कि सबसे लास्ट में लगा है, देख सकते हैं। ऐसा कुछ नजारा है, अभी काम चल रहा है इस पे।
एक घंटा पहले ही अपनी ट्रेन यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। यहाँ पे टाइम इसका 10:55 में है और 9:55 में ही आ गई थी, तो एक घंटा से अभी रुकी। अब अभी 20 मिनट और है, उसके बाद अपनी ट्रेन खुल जाएगी यहाँ से, फिर आपसे मिलता हूँ मैं झांसी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और मैं अंदर का कोच आपको दिखाता हूँ। चलिए, मैं अभी नीचे का सीट खा लिया तो नीचे बैठा हूँ। सो हे गाइस, अभी मैं आ गया हूँ लखनऊ एना, और बीना जंक्शन के बाद झांसी जंक्शन पर मैंने आपसे बोला था दिखाऊंगा वहाँ पे, पर वहाँ से सो गया था तो नींद ही नहीं खुला। फिर कानपुर में खुला था तो ज़्यादा देर वहाँ पर रुकी नहीं, तो अभी लखनऊ एना आ गया हूँ। ये है वैक 12B। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये लखनऊ एनआर अभी पूरा प्लेटफॉर्म पे नहीं गई है, ट्रेन इधर ही रुक गया। मैं सबसे लास्ट वाले बोगी में हूँ ना, तो अभी पता नहीं इधर ही रुक गया है, देख सकते हैं ऐसा है। प्लेटफॉर्म अभी बहुत आगे है। तो यहीं पे IRCTC से रात का खाना ऑर्डर किया था, तो अभी शायद वो लेके आएगा, तो खाना को रिसीव करते हैं और अब आपसे मिलूँगा सीधे गोरखपुर में। गोरखपुर में मुझे लगता है रात के 12 बजे तक पहुँचा देगी है। अभी टाइम हो रहा है 7:05, तो गोरखपुर ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा यहाँ से, तो आपको सीधा मिलता हूँ मैं गोरखपुर में, और फिर वहाँ से आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमको तो जाना है बिहार ना, तो सिवान में हम लोग उतरेंगे। तो गोरखपुर से देखते हैं रात में कोई ट्रेन होगा, तो अगर देखते हैं आगे का जर्नी आपको दिखाऊंगा, गोरखपुर के बाद आगे का जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। तो गाइस, अभी रात के 1:40 हो रहा है और अभी पहुंचा हूं मैं गोरखपुर, पीछे हमारी ट्रेन है। 2 hours later। तो गाइस, मैं अभी सिवान जंक्शन पे आ गया हूं। ये आज दूसरा दिन है, कल मैं भोपाल सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ा था, और अभी मैं अभी सुबह के लगभग 5:30 होने वाला है और मैं सिवान आ गया हूँ, जो कि मेरे गांव का ज़िला पड़ता है। और यहाँ से अपनी ट्रेन है जीरादेई के लिए, जो कि यहाँ से 5:40 में खुलेगी। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ से अब ट्रेन अभी जाके प्लेटफॉर्म से टिकट ले लिया है काउंटर पर से, और यहाँ से जीरादेई जाना है, जीरादेई से फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे, वहाँ से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं अपने ट्रेन के पास आ गया हूँ, और गाइस यहाँ पे खड़ी है मोस्ट पावरफुल इंजन, इंडिया का सबसे पावरफुल इंजन यहाँ पे खड़ा है। ये देखिए गाइस, वैक 12B, इतना लंबा है ना, जैसे नॉर्मल इंजन होता है, जैसे ये इंजन है देख रहे हैं, इसका डबल है, ये जुड़ा हुआ है दोनों साइड से, उसका दुगना लंबाई है इसमें। ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंजन है, अभी इससे ज़्यादा पावरफुल अभी कोई नहीं है। अटैचमेंट है अंदर ही अंदर जाने का, कुछ ऐसा है गाइस सिवान जंक्शन का नज़ारा। ये सामने अपनी ट्रेन खड़ी हुई है, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी, उसके लिए सॉरी गाइस। तो यहाँ से गाइस जीरादेई के लिए अगर निकलते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट का रास्ता है, और अब तो टाइम हो गया है इसको खुलने का, और 10 मिनट के बाद ये चलेगी यहाँ से। गाइस सिग्नल हो गया है, अब चलिए चलते हैं सीट पे। 6 बज गए लेकिन अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, इतने ट्रेन चल दी है। फाइनली गाइस आ गया मैं जीरादेई, पीछे जीरादेई स्टेशन है, तो अब चलिए चलते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और फिर गांव निकलते हैं। यहीं पास में ऑटो लगी रहती है, वहाँ से मिल जाएगा ऑटो।
ऑटो पकड़ के चलते हैं घर। मुझे आया तो काफ़ी देर हो गया, सुबह 6:30 में ही घर आ गया था, पर अभी ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ क्योंकि घर में आते ही थोड़ा काम था तो सब करने लगा। तो इस ब्लॉग को अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। ये ब्लॉग के बाद आएगा दिवाली वाला ब्लॉग, तो यहाँ से आगे का जो भी शूट करूँगा वो आप लोग दिवाली वाले ब्लॉग में देखेंगे। जो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि कल आएगा दिवाली का। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पहले ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।